हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू वीडियो के साथ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग के, जिनसे आप जुड़ सकते हैं और ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो सभी लिंक से जुड़े उन्हें इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कंटिन्यू हो सके। एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेशन एंड नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ इडियम्स एंड फ्रेसेस जो हमारे प्रीवियस एग्जाम से भी रिलेटेड हैं, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे KVS, DSSSB एंड CTET, उनमें से कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर आप लोगों को इडियम्स एंड फ्रेसेस मिलेंगे। तो उन इडियम्स एंड फ्रेसेस को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की जो अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बेस्ट बन सके। सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एज जेंटल एज लैम। एज जेंटल एज लैम का मतलब क्या होता है ये देखिए। एज जेंटल एज लैम का मतलब होता है, यहाँ पर एक मीनिंग दे रखा है पर्टिकुलर आपको, सैड अबाउट काइंड इनोसेंट माइल्ड मैनर्ड पीपल, यानी कि वो इंसान या वो व्यक्ति या वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा काइंड यानी कि दयालु भाव के होते हैं, इनोसेंट बिल्कुल ही इनोसेंट टाइप के होते हैं, शरीफ जिसे कह सकते हैं, या पर्टिकुलर वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं भोला भाला इंसान। तो उन काइंड्स के पर्सन को हम एज जेंटल एज लैम के अकॉर्डिंग, एक idiom के अकॉर्डिंग उन्हें हम डिनोट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखा है, शी इज़ एज जेंटल एज लैम, दैट्स वाई एवरीबडी लाइक्स हर। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर जो भेड़ का बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो बिल्कुल इनोसेंट टाइप का होता है। तो उसी तरीके से पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं जब वो इनोसेंट भाव का होता है, इनोसेंट तरीके का होता है। तो नेक्स्ट है हमारा, बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब होता है टू सपोर्ट समवन और समथिंग दैट लेटर कैन नॉट बी सक्सेसफुल। यानी कि जब हमें पता होता है कि वो इंसान आगे नहीं सफल होने वाला, यानी कि वह अपने काम में अनसक्सेसफुल होगा, तब भी हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ होता है हमारा बैक द रॉन्ग हॉर्स, यानी कि किसी भी हारने वाले व्यक्ति का समर्थन करना, तो वो हमारा एक पर्टिकुलर idiom कहलाता है बैक द रॉन्ग हॉर्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, डोंट बैक द रॉन्ग हॉर्स, यू नो ही कांट विन द इलेक्शन। यानी कि प्लीज़ तुम बैक द रॉन्ग हॉर्स, यानी कि उसका समर्थन या उस पर्टिकुलर व्यक्ति का समर्थन मत करो, क्योंकि तुम जानते हो कि वह इलेक्शंस में नहीं जीतेगा। तो हम इस तरीके से भी इस idiom को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देन देखिए, बी अ कोल्ड फिश। बी अ कोल्ड फिश का मतलब होता है, मीनिंग है यहाँ पर, बी अ पर्सन हु इज़ डिसेंट एंड अनफीलिंग। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऑफिस में, स्टाफ्स में, या कहीं पर भी आप लोगों को आपके पर्टिकुलर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर एक पर्सन मिलेगा ज़रूर, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हार्टेड का होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठोर दिल का बोलते हैं, हार्ड हार्टेड जिसे बोलते हैं, हार्ड हार्टेड कठोर दिल का, या बिल्कुल ही अलग रहता हो, थोड़ा सा अलग नेचर का होता है, वो पर्सन हमारा कहलाता है बी अ कोल्ड फिश। तो वो पर्सन के लिए हम एक पर्टिकुलर idiom का यूज़ करते हैं, बी अ कोल्ड फिश। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही रेयरली टॉक्स टू हिज कलीग्स, ही इज़ अ कोल्ड फिश। यानी कि वह व्यक्ति बहुत अपने कलीग से बहुत ही कम बात करता है, क्योंकि वह किसकी तरह है, बी अ कोल्ड फिश की तरह है। नेक्स्ट है, बी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर टू फील अनकम्फर्टेबल इन सिचुएशन। कभी कभार होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का फर्स्ट डे होता है स्कूल में या कॉलेज में या कहीं ऑफिस या स्कूल, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पर हम फर्स्ट डे जा रहे हैं और वहाँ पर हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो वो सिचुएशन हमारी कहलाती है बी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है, आफ्टर हर डाइवोर्स ही वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अपने डाइवोर्स के बाद वह जो लेडी है वो किस तरीके से फील करती है, बी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर की तरह, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करना। तो ये होता है हमारा idiom। नेक्स्ट है, बी अ चिकन। बी अ चिकन का मतलब क्या होता है, बी अ कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है, कावर्ड का मतलब बी अ कावर्ड, यानी कि बी अ चिकन जो डरपोक भाव के होते हैं, यानी कि दूसरों के सामने ऐसे दिखाते हैं कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, बट जब करने की बारी आती है तो उसमें हम एक कावर्ड तरीके से अपने आप को
शो करते हैं, यानी कि डरपोक टाइप का जो शो करते हैं, तो वो चीज़ है हमारा बी अ चिकन। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है, डोंट बी अ चिकन, टॉक टू हर लाइक अबाउट योर लव फॉर हर। यानी कि डोंट बी अ चिकन, कावड़ मत बनो, टॉक टू हर अबाउट योर लव फॉर हर, उससे बात करो, अपने प्यार का इजहार करो। तो वो चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डिनोट होती है। देन है हमारा बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग देखिए, ऑल्सो फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इस पर्टिकुलर idiom को इसके अकॉर्डिंग भी डिनोट किया जाता है, ऑल्सो फ्लॉग अ डेड हॉर्स। दोनों में से कोई भी आ जाए तो दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, टू परसिस्ट और कंटिन्यू फार बियॉन्ड एनी पर्पस इंटरेस्ट और रीजन। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा बीट अ डेड हॉर्स। सो बीट अ डेड हॉर्स, यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं इसे कि मरे हुए घोड़े को मारना, नो। इसका मतलब पर्टिकुलर ये होता है कि विदाउट रीज़न हम किसी भी काम पर, किसी भी वर्क पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझेंगे इसे, इफ यू कंटिन्यू टेकिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स। इफ यू कंटिन्यू टेकिंग अबाउट समथिंग, तो सिंपल सा मतलब इस एग्जाम्पल में ये चीज़ दिखा रखी है कि हम किसी भी काम पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जब तक हमारे सामने उसका कोई रीज़न ही नहीं होता कि वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है यूजफुल, तो वो चीज़ होती है हमारी बीट अ डेड हॉर्स। देन है हमारा कॉल ऑफ द डॉग्स। कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को तुच्छ या किसी की आलोचना करना, जैसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध हिंदी में। मीनिंग है यहाँ पर सैड व्हेन यू वांट समवन टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यू, यानी कि किसी को उस चीज़ के लिए रोकना, नीचा दिखा रहा है कोई तुम्हें या कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्सन को, तो उसको रोकना। सो एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ कॉल ऑफ द डॉग्स, आई अपोलोजाइज फॉर दैट फॉर वॉट आई हैव डन। यानी कि उसको नीचे दिखाना बंद करो और उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। देन है हमारा बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। बहुत ही अच्छा फ्रेज लगता है ये मुझे। बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड का मतलब क्या होता है, वन हु हैव अचीव्ड अ हाई रैंक और हाईली एस्टीम्ड बट ओनली इन अ स्मॉल रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट और लिटिल नोन लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम वर्किंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो, और वहाँ पर बहुत बड़ा स्टाफ है और उसमें जो हमारा या किसी हमारा, ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पर्सन हो, उसका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। मतलब होता है ऐसा, बहुत लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इतने सारे लोगों में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर idiom एज अ फ्रेज बनाया गया है, बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, डॉक्टर जॉन कुड गेट अ प्रोफेशन सी एज एन लेवी लीग यूनिवर्सिटी बट ही enjoys being a fish in a small pond too much to ever leave Hanover College। तो मतलब सिंपल सा इस एग्जाम्पल से यही डिनोट हो रहा है हमें कि किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती है या बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो वो एज अ किसके अकॉर्डिंग डिनोट होता है, बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड के अंदर। देन देखिए कैश काओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारा idiom है ये, और कैश काओ आज के टाइम पे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। सो कैश काओ का मतलब क्या होता है, देखिए, समवन और समथिंग विच इज़ अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ मनी, अ मनी मेकर। यानी कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो आज के टाइम पे क्या बन गई है, प्रॉफिटेबल बन गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टाइपराइटर ले लीजिए, इतना ज़्यादा, मतलब आज के टाइम पे टाइपराइटर का जो यूज़ है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम होता है, बट जब या जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस चीज़ का यूज़ करना सीखता है, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है, बेशक चाहे वो उसकी एक्सपेंसिव हो वो चीज़ करने के लिए या
बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो तो वो डिपेंड नहीं करता, बट उस चीज को आना चाहिए, उस चीज को करना आना चाहिए। तो एज अ प्रॉफिटेबल कोई भी ऐसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमारे लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल होती है और आज के टाइम पे उसकी डिमांड बहुत है बट वो है नहीं, तो वो चीज हमारी कैश काउ के अकॉर्डिंग आती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर टाइपराइटर से रिलेटेड दे रखा है, द टाइपराइटर्स प्रोडक्शन विच हैड बीन देयर कैश काउ फॉर सो मेनी ईयर्स विटनेस्ड अ कोलैप्स ऑफ सेल्स। तो आज के टाइम पे जो टाइपराइटर है वो हमारे लिए एक कैश काउ की तरह बन गया है। देन देखिए अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है कंफ्यूज्ड सिचुएशन, अ फॉल्स इन्वेंशन जिसे कहते हैं या कंफ्यूज सिचुएशन कहते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम प्रूव्ड टू बी अ मेयर्स नेस्ट, यानी कि अगर टीचर्स को या टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी स्कीम में या इस स्कीम में तो वो हमारे लिए एक फॉल्स इन्वेंशन बन सकता है। तो ये एग्जांपल हम लगा सकते हैं या आप अपनी तरीके से एग्जांपल देख सकते हैं, बस आपको मतलब पता होना चाहिए। और मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए कन्फ्यूज्ड सिचुएशन होती है या फॉल्स इन्वेंशन होता है जो हमारे लिए। देन देखिए शो वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या होता है? शो वाइल्ड ओट का मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग, यानी कि जहाँ पर हम जिम्मेदारी नहीं समझते किसी भी चीज़ को। ज़्यादातर एग्जाम्पल दिया जाता है जो कुछ, मतलब ज़्यादातर बॉयज़ के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि सो वाइल्ड ओट्स का मतलब अय्याशी करना। कई लोग एग्जाम्पल देखा होगा आप लोगों ने कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, तो वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और एक अपने करियर को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर एक अय्याशी टाइप में उस चीज़ को कर देते हैं। तो वो चीज़ हमारी ईडियम के अकॉर्डिंग आती है शो वाइल्ड ओट्स। जैसे एग्जांपल देखिए, आफ्टर शोइंग हिज वाइल्ड ओट्स राम हैज़ डिसाइडेड टू स्टिक टू स्ट्रेट एंड नैरो पाथ इन फ्यूचर, यानी कि जब राम को पता चला कि वो, मतलब कि उसने सारे के सारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है या उसके साथ ऐसा हुआ है जिससे कि वो एक, मतलब उसका जो नाम है वो अय्याशी करने वाला पर्टिकुलर पर्सन उसका नाम बन गया है, तो उस चीज़ को हटते हुए अब उसने डिसाइडेड कर लिया है टू स्टिक टू स्ट्रेट एंड नैरो पाथ इन फ्यूचर, कि आगे चल के वो बिल्कुल सही रास्ते पर चलेगा और आगे चल के वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझ सकते हैं ताकि हमें जो ईडियम है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देन देखिए विद अ हाई हैंड्स। विद अ हाई हैंड्स का मतलब क्या होता है? ऑप्रेसिवली मीनिंग दे रखा है, ऑप्रेसिवली या विद अ हाई हैंड का मतलब होता है दमदार तरीके से, दमदार तरीका, जब हम हाँ किसी भी चीज़ के लिए दमदार तरीका अपनाते हैं, बिल्कुल रूल्ड या हिटलर टाइप कह लीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वाज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंडेड, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से या दमदार तरीके से किसी भी चीज़ को निभाना, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना, वो होता है हमारा विद अ हाई हैंड। देन देखिए अ गुड टर्न। अ गुड टर्न का मतलब क्या होता है? मीनिंग देखिए एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी कि नेकी का काम जिसे बोलते हैं, नेकी का काम। जैसे एग्जांपल देखिए, ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उसने मुझे यह बताकर बहुत अच्छा किया या नेकी का काम किया कि, या रिकमेंड किया मुझे पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो अ गुड टर्न का मतलब होता है नेकी का काम या नेकी का काम बताना या करना, तो वो चीज़ हम उस तरीके से ले सकते हैं। तो ये है हमारा अ गुड टर्न। तो ये थे हमारे सामने सिलेक्टेड कुछ ईडियम्स एंड फ्रेज जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, और इंग्लिश पोर्शन में ईडियम एंड फ्रेज का बहुत अच्छा रोल है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है और इग्नोर भी नहीं करना है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करना है। सो अपना सपोर्ट बनाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें इन्फो टीचिंग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।